मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख रही हूँ फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ इस बात पे समझने के लिए कि क्या बात तो आप रिपीट कर रही हो बार बार। आप मेरे को घुमा घुमा के वहीं लाना चाहती हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझती हैं। नहीं चलिए मैं अलग सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने कहा आपने एक बयान दिया कि अपना ये रिकॉर्डिंग जो आपने की है ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनना कि एक ही सवाल पे आधा घंटा आप घुमाती रही। आप क्यों घुमा रही हो ये मैं भी समझ रहा हूँ। आप मेरे से क्या बुलवाना चाहती हो इतना मैं समझता हूँ। हमारे मूल मूल भाव आपका क्या है ये मैं आपका बहुत मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूँ। मैं NDTV से आपका दर्शक हूँ। मैं आपका फॉलोअर हूँ। मैं आपको बहुत सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सुनता। इसलिए मैं समझता भी हूँ थोड़ा सा कि आप कहाँ ले जाओगे मुझे घुमा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप तो बहुत समझते हैं। आप मेरे से कहीं ज्यादा राजनीति में एक्सपीरियंस है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। दिग्विजय सिंह पर आपने आज बयान दिया। आपने कहा कि उनकी जो ट्वीट थी जो फेक निकली बाद में उन्होंने डिलीट की। आपने कहा इसके बेसिस पर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या उनको ऐसी फेक मस्जिद पे झंडा फहराते हुए नौजवान की करना थी? मैं ना आप मेरा मार्गदर्शन करो। नहीं वो ट्वीट गलत था। मैं तो कह रही हूँ गलत था। एक बात गलत है तो कानूनी कार्रवाई उन पे हुई और आगे भी होगी। दो बात, लेकिन ये जो स्लीपर सेल टुकड़े टुकड़े गैंगों की है दिग्विजय सिंह टाइप की, जो उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को काजी साहब जिंदाबाद समझते हैं, जिनको जाकिर नायक शांति दूत नजर आते हैं, जो लादेन जी कह के उनको संबोधित करते हैं, जो सेना पर सवाल उठाते हैं, EVM पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूंगा मैं? तो अब कानूनी कार्रवाई आप क्या सोच रहे हैं उनके खिलाफ करने की? कानूनी कार्रवाई होगी। असेंबल हो रहा है, चार जगह कायमी हुई है, वो हो जाए असेंबल। उसके बाद कल मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका कहना है कि जो खारगोन में हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ओवैसी जी करते हैं एक जाति की राजनीति। वो अपनी जाति के, वो ओवैसी जी या दिग्विजय सिंह जी, जब SP को गोली लगी, जब 10-10 साल के बच्चे काट दिए गए, जब लोगों के घर जलाए गए, उस वक्त इनके मुंह में छाले हो गए थे, गुड़ रखा हुआ था, बुलडोजर जैसे ही निकला वैसे ही इनको ये पीड़ित हो गए वेदना से। ये जो भाव है ना, ये बहुत गंदा भाव मानते हैं हम लोग। अगर ये प्रतिक्रिया ओवैसी की उस वक्त भी आती जब मस्जिद से पत्थर फेंके थे, जब लोगों के घर जलाए थे, तो शायद हम अच्छा जवाब देते, तालीनता से देते और बहुत प्रेम से जवाब देते। लेकिन उस वक्त एक शब्द नहीं आया, बुलडोजर आया तो पीड़ा से भर गए ये लोग, कानून की बात करने लगे। एक उस परिवार नहीं था उसका जिसके गोली लगी थी, उसके भी परिवार के लोग थे, बुलडोजर चला तो परिवार याद आ गया। उस दिन रमजान नहीं था जिस दिन तलवारें चलाई, उस दिन भी रमजान था, उसमें क्यों नहीं बोले ये लोग? बस यही पीड़ा है और यही पीड़ा का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। अभी 5 प्रांतों में इनके हालत कांग्रेस की आपने देखी होगी, दिग्विजय सिंह की पार्टी की। अब 1.5 प्रांत में बची है कुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। एक साल बाद ढूंढते रह जाएंगे हम नक्शे पर कांग्रेस कहां है। नहीं देखिए मैं तो आपसे यही कहूंगी मंत्री जी, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि जिसकी भी गलती हो उसको जरूर आपको पनिश करना चाहिए। मुझे सिर्फ बुलडोजर का मामला नहीं समझ आया। मैं उस बात को लेके मैं पूछना चाहती हूँ, अगर जो भी गिल्टी है ऑफ राइटिंग उसको बिल्कुल ड्यू प्रोसेस के मुताबिक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं एक और सवाल पूछूंगी, ये भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं कि आपके पार्टी के नेता कपिल मिश्रा जी हैं, वो 40 किलोमीटर दूर थे इस जहां पे ये कांड हुआ, लेकिन उनकी स्पीच को लेकर बहुत से लोगों ने कहा कि ये भी एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच है और ऐसी स्पीच नहीं होनी चाहिए। आप गृह मंत्री होने के नाते क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, ऐसी स्पीच नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं? जी। आपने ये कन्वे किया उनको? किया। तो क्या बोले वो? उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ओह माय गॉड, वाओ।